नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में पुनः स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं यूपीएचएससी लेटेस्ट अपडेट के बारे में। और आप लोगों के काफ़ी सामान्य प्रश्न आ रहे थे, जिन प्रश्नों को ध्यान कर रखते हमने कुछ बिंदु निर्धारित किए हैं कि आज हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिससे हो सके कि आपके सामान्य प्रश्नों का जवाब मिल जाए। कौन कौन से बिंदुओं की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे? आयोग की वर्तमान स्थिति एवं कार्य के बारे में। क्या पदों में और बढ़ोतरी संभव है? तीसरा, क्या फार्म रीओपन होंगे? चौथा, अध्यक्ष व सदस्यों का रिटायरमेंट कब है? और पांचवा, विज्ञापन संख्या 51 की परीक्षा कब तक संभव है? आज हम इन सभी पांचों बिंदुओं पर अच्छे से चर्चा करेंगे और लगभग आपकी सभी प्रश्नों के जो सामान्य प्रश्न हैं उनके जवाब आपको मिल जाएंगे। तो साथियों, यदि मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अच्छा लगे तो अपने अन्य साथियों को भी शेयर कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं कि आयोग की वर्तमान स्थिति और कार्य क्या। देखिए, आयोग इस समय पूर्ण रूप से विज्ञापन संख्या 50 के कार्यों में व्यस्त है। कौन कौन से? इन्होंने अभी रिसेंट में दिसंबर में ही कुछ विषयों के तो इंटरव्यू कराए हैं, और इसके अतिरिक्त हाई कोर्ट ने इन्हें गृह विज्ञान और ला के परिणामों को संशोधित करने के निर्देश दिए हैं, जिसके आधार पर इन्होंने संशोधित परिणाम दोनों विषयों अर्थात गृह विज्ञान और ला के घोषित किए हैं। और इन सभी का इंटरव्यू भी इन्होंने निर्धारित कर दिया है, और जो इंटरव्यू आपका होगा 4 से 5 जनवरी 2023 में। किसमें इनका इंटरव्यू कब हो रहा है? 4 से 5 दिन के अंतर्गत गृह विज्ञान और ला वालों के जो रिवाइज रिजल्ट आया है उसका इंटरव्यू 4 या 5 जनवरी 2023 में इन्होंने कराना निश्चित कर लिया है। और इसके अतिरिक्त अन्य मामला साथियों है वो बहुत चर्चा में इस समय है, और जिसके बारे में है बीएड का मामला। बीएड का मामला यह है कि ये जो विज्ञापन निकला था 51, उसके अंतर्गत जो इन्होंने नॉर्मल यूजीसी की रिकमेंडेशन थी वो नॉर्म्स मानते हुए बीएड की एलिजिबिलिटी निर्धारित की थी, लेकिन छात्रों को वो एलिजिबिलिटी को उन्होंने चुनौती दी, और जिसके आधार पर हाई कोर्ट ने उस एलिजिबिलिटी को गलत माना और एनसीटीई यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के नॉर्म्स को सही मानते हुए इन्हें बीएड के विज्ञापन को निरस्त करते हुए पुनः विज्ञापित करने का निर्देश दिया है। अर्थात री एडवर्टाइजमेंट करेंगे सिर्फ बीएड वालों का, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के लिए, अन्य विषयों का नहीं होने वाला है। तो अब यह क्या करेंगे कि इनको जब आदेश मिला है कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने दिया है, तो निश्चित तौर पर अभी इस समय ये इंटरव्यू की प्रक्रिया में व्यस्त हैं और आगे भी इंटरव्यू लगे हुए हैं। तो हमें लगता है कि यह री एडवर्टाइजमेंट जो इनका विज्ञापन होगा बीएड का, लगभग जनवरी में इनका विज्ञापन री एडवर्टाइज्ड हो जाएगा, और लगभग इनको 15 से 20 दिन, मुझे जो लगता है ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, 15 से 20 दिन का समय दिया जाएगा, और जिसके अंतर्गत बहुत से छात्र जो इसमें आवेदन किए थे उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज होने के कारण बाहर हो जाएंगे, और कुछ अन्य छात्र बाहर से अंदर आ जाएंगे, इन हो जाएंगे। तो इस प्रकार कोर्ट ने एनसीटी के रेगुलेशन को सही मानते हुए इन्हें रीएडवर्टाइज करने के आदेश या निर्देश दिए हैं। अब बात करते हैं कि क्या पदों में और बढ़ोतरी संभव है। हाँ साथियों, पदों में और बढ़ोतरी संभव है। कैसे? अगर कोई निदेशालय को अन्य अध्याचन प्राप्त होते हैं तो वो कमीशन को भेज सकता है कि आप इन्हें पुनः विज्ञापन संख्या 51 में ऐड कर लीजिए। जैसे कि अभी पहले भी हो चुका है, जब विज्ञापन आया था 917 थे, बाद में 100 पद और बढ़ा दिए गए तो 1017 पद हो गए, और हो सकता है कि इनमें और निदेशालय को कोई पद अध्याचक के तौर पर प्राप्त हो जाए। जब तक परीक्षा आपकी नहीं होती है उसके पहले तक लगभग आपके पद बढ़ाए जा सकते हैं, तो इसमें और भी पद ऐड हो सकते हैं, इसलिए पदों की बढ़ोतरी अभी भी संभव है। तीसरा पॉइंट पर बात करते हैं, क्या फार्म रीओपन होंगे? तो सच बताऊं साथियों, फार्म रीओपन होने की संभावना लगभग 95% नहीं है, अर्थात लगभग नगण्य है। फार्म सिर्फ बीएड के लिए जो हाईकोर्ट ने इन्हें निर्देश दिया है उसको ये मानेंगे, और बीएड के फार्म को यानी बीएड का जो है रीओपन क्या मतलब री एडवर्टाइज करेंगे जिसमें नए आवेदन होंगे, तो सिर्फ बीएड वालों के लिए है। स्पेशली आपके लिए अब करने की संभावना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत व्यस्त हैं,
विज्ञापन संख्या 50 के मामलों को लेकर के इनकी की गई गड़बड़ियों के कारण, थोड़ी त्रुटियों के कारण, जिसके कारण ये व्यस्त हैं, इसलिए फार्म रीओपन के होने की संभावना हमें नहीं लगती है। बात करते हैं कि अध्यक्ष व सदस्यों का रिटायरमेंट। देखिए साथियों, हमको ये जानकारी है कि सदस्यों कुछ हैं इनके जो फरवरी में रिटायर हो रहे हैं, फरवरी 2023 में, लेकिन अध्यक्ष की क्लियर जानकारी नहीं है कि अध्यक्ष का कार्यकाल फरवरी में समाप्त हो रहा है। लेकिन कुछ जानकारियां ऐसी हमें मुझे मिल रही है कि इनका कार्यकाल शायद फरवरी में इनका भी रिटायर कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो अगर इनका कार्यकाल फरवरी में पूरा हो जाता है तो आपकी परीक्षा विज्ञापन संख्या 51 की परीक्षा फिर बहुत लंबे समय के लिए जाने वाली है, क्योंकि अध्यक्ष जी के बिना तो कुछ कार्य नहीं होगा। अगर अध्यक्ष का कार्यकाल फरवरी में रिटायरमेंट हो रहे हैं, अगर फरवरी में, ठीक, तो लेकिन अगर इनका कार्यकाल समाप्त नहीं हो रहा है और अन्य सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो भी जाएगा तो परीक्षा पर विशेष कोई प्रभाव आपका नहीं पड़ेगा। लेकिन आयोग इस समय विज्ञापन संख्या 50 के मामलों में इतना व्यस्त है कि वो इन विज्ञापन संख्या 51 पर विशेष ध्यान नहीं दे पा रहा है। और बीएड का भी मामला बीच में आ गया है, ठीक, बीएड का भी मामला आ गया है, जिसके कारण इससे दृष्टिगत हमको ये लगता है कि अगर बीएड को 15-20 दिन का समय दे देते हैं विज्ञापन का जनवरी में, तो काम ये जल्दी जल्दी कर सकते हैं। और आपकी परीक्षा, आपकी परीक्षा किधर जा सकती है, अप्रैल या मई में, अप्रैल और मई की तरफ जा सकती है अगर अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त नहीं होता है तो। क्योंकि हमको भी क्लियर जानकारी अभी नहीं मिल पाई, हमने कई जगह सोर्सों से जानकारी कोशिश की, लेकिन कहीं पर अध्यक्ष के कार्यकाल को रिटायरमेंट की कोई बात सामने नहीं आ रही है, सिर्फ सदस्यों के रिटायरमेंट की जानकारी आ रही है कि फरवरी में सदस्य रिटायर हो रहे हैं कुछ, लेकिन सदस्यों के रिटायरमेंट से आपकी परीक्षा होने या ना होने पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसमें डिसीजन अध्यक्ष जी का हो जाएगा। तो इस आधार तो हमें यह लगता है कि परीक्षा आपकी, अगर सदस्य अध्यक्ष साहब रिटायर नहीं होते तो परीक्षा आपको अप्रैल व मई की तरफ जाएगी, लेकिन मार्च में और फरवरी में तो कतई आप सोचे ही ना, इतना ही काम इनके पास हो गया है कि पहले यही करें। और मार्च में आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा है, और जिसके कारण वो तो आपको संभव ही नहीं है कि ये काम करा लें, उस समय मार्च में आपकी परीक्षा करा लें। इसलिए आपकी परीक्षा अधिकतम मुझे लगती है कि अप्रैल मई की तरफ जाएगी। अगर अध्यक्ष जी का कार्यकाल समाप्त होता है तो आपकी परीक्षा लॉन्ग टर्म के लिए जुलाई अगस्त सितंबर की तरफ जाने की पूरी संभावना है साथियों। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आपको हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।